बस ड्राइवर मंडोरा की एक ट्रैवल्स कंपनी में नई नौकरी लगी थी और अपनी पहली ड्यूटी में उन्हें बस को उदयपुर से अहमदाबाद लेकर जाना था। मंडोरा अपने समय से पहले काम पर पहुंच गए और बस को ठीक से देख के बस चालू करके अपनी जगह लगा दी जहां से यात्री बस में बैठने वाले थे। कुछ देर में यात्री बस में बैठ गए और मंडोरा ने बस शुरू की। उदयपुर से अहमदाबाद का रास्ता महज 3 से 4 घंटे का है। बस जब पहाड़ी रास्ते से सांप की तरह मुड़ती हुई चल रही थी तभी छोटी नदी का पुल क्रॉस करते ही मंडोरा को लगा जैसे बस से अपना कंट्रोल खो चुका है और बस अपने आप ही चल रही है। काफी कोशिश करने के बावजूद भी मंडोरा बस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसे लगा जैसे बस पहाड़ी से नीचे गिर जाएगी। तभी उसने बस की शॉर्ट ब्रेक मार दी लेकिन उसे बस में कोई चहल पहल नजर नहीं आई। मंडोरा को लगा जैसे बस में कोई है ही नहीं। तभी अचानक से एक आदमी जिसने ड्राइवर जैसे ही कपड़े पहन के रखे थे वो मंडोरा के पास आया और कहा कि हटो, तुम ठीक से चला नहीं पा रहे हो, बस मुझे चलाने दो। मंडोरा उस आदमी को मना नहीं कर पाया और वो वहां से हटकर बाजू की सीट पर बैठ गया और वो आदमी बस चलाने लगा। कुछ देर बाद मंडोरा को नींद आ गई और उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब वो सो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि रात के 2 बजे हैं और बस अहमदाबाद के बस डिपो में खड़ी है। ये देखकर मंडोरा काफी डर गया कि अब तो उसकी नौकरी जाना तय है, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी सो गया था और किसी अनजान पैसेंजर ने बस ड्राइव की थी। जब वो बस से उतरकर अपने ट्रैवल्स के ऑफिस गया तब उन लोगों ने उसकी प्रशंसा की कि भाई पहली बार ड्राइव की है लेकिन ऑन टाइम बस तुमने पहुंचा दी है और यात्री सभी खुश थे। मंडोरा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो तो खुद यात्री बनकर सोते सोते आया है। जब वापस बस लेके मंडोरा को अहमदाबाद से उदयपुर जाना था तब भी उसने टाइम से बस को अहमदाबाद से चलाया और राजस्थान बॉर्डर में एंटर होते ही उसी ऊटपटांग पहाड़ी रास्ते पर होते हुए मंडोरा जब फिर से पुल के पास पहुंचा तो फिर से बस का काबू खो गया और बस जैसे अपने आप ही चल रही हो ऐसा उसे महसूस होने लगा। और जैसे ही उसे लगा कि अब बस पलटी खा जाएगी उसने ब्रेक मार के बस रोक दी। उसी वक्त वो आदमी फिर से मंडोरा के पास आया और बोला कि हटो, तुम फिर से ठीक से नहीं चला पा रहे हो। तब फिर से वो अपनी सीट से हट गया और वो आदमी बस चलाने लगा। मंडोरा को फिर से नींद आ गई और जब वो उठा तो उदयपुर डिपो में बस पार्क थी। यह सब देखकर वो अब काफी असमंजस में था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसने ईमानदारी से ट्रैवल्स कंपनी के मालिक को सारी बात बताई। तब पता चला कि छोटे पुल के पास 1 साल पहले उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया था और तब से यह बस डिपो में ही पड़ी थी और बस का ड्राइवर और सारे यात्री उस एक्सीडेंट में मारे गए थे। उस दिन के बाद से मंडोरा ने उस बस को कभी हाथ नहीं लगाया और उसे कभी भी वैसा कोई अनुभव भी उस रूट पर नहीं हुआ। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मेरे साथ मेरे ईमेल या फेसबुक पेज पर ज़रूर शेयर करें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।